तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं जहां पे मैंने कलर्स का यूज किया है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये देखिए यहां पे मैंने कलर्स का यूज किया है और साइड में वो कलर्स हैं जिनको मिला मिला के मैंने यूज किया है। आप देख सकते हैं यहां पे, जैसे कि ये कलर है, एक लिस्ट है या एक इंडेक्स है जहां से हमें जानकारी ले सकते हैं कि कौन से कलर पे कौन सा कलर सूटेबल होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले जो फर्स्ट फर्स्ट हैं सब लाइनों में वो कलर्स लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये मैंने ये ब्लू लिया है, डार्क ब्लू, उसके बाद ऑरेंज। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दोनों कलर, यहाँ पे तीन कलर मिक्स किए हमने। यहाँ पे आउटलाइन जो है, यहाँ पे आउटलाइंस में तीसरा कलर जो ये वाला यूज किया है। यहाँ पर भी तीन कलर हैं, ये पिंक और ये ब्राइट पिंक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मैंने जो टेक्स्ट लिखे हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, एकदम हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, एकदम फटाफट काम हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन का, यहाँ अगर हम ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे कौन सा कलर डालें, यहाँ पे कौन सा कलर डालें, तो हमको कई बार 10, 15, 20 कभी कभी 50 बार भी हो जाता है कि हम कलर पे कलर चेंज करते रहते हैं और हमको हमारा डिजाइन क्या पसंद नहीं आता है। जब तक हमें नहीं पसंद आता है तब तक कस्टमर को कैसे पसंद आएगा, जी हमारे ग्राहक को भी नहीं पसंद आता है, तो हमें उस पर काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये जो आइडिया, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इजी है और एकदम सिंपल है। आप सबसे पहले जान लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे एक कलर कॉम्बिनेशन का चार्ट है, इसमें मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया है और इसको यूज़ कैसे किया ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से एक जो ये है इसको हम ग्रुप एक बार करता हूँ और इसकी एक कॉपी मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने कॉपी रख लिया। अब मैं ये बताऊंगा कि आपको इसको मैंने इस चार्ट के द्वारा इसको यूज़ कैसे किया है, ठीक है। इसको अनग्रुप करते हैं, इसको भी मैं सादा रखता हूँ, वाइट कर देता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ इस तरह से। तो अभी मैंने इस कलर को इसमें कैसे डाला, कैसे क्या किया, जैसे कि ये कलर है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको कलर का, ये सारे ये है, एक कोड है, हाँ। और जैसे यहाँ पर ए लिखा है, यानी कि ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे यूज किया है इसमें ए कलर आएगा, इसमें ई कलर आएगा। तो यह कलर इसमें हम लाएं कैसे, क्योंकि अगर हम वहाँ से जाते हैं कलर कॉम्बिनेशन में, अगर यहाँ से हम जाते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर हम जाते हैं तो उसमें कभी मैच नहीं करेगा, फिर काफ़ी हमको ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसको करने में काफ़ी समय जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ए, ए के लिए सी एम वाई के, यानी कि सी कलर जो सियान है 100, मैजेंटा है 40, येलो है 30 और ब्लैक है 20, यानी कि 100, 40, 30, 20 इस कॉम्बिनेशन को हम डालेंगे तो जाकर के ये कलर बनेगा। तो अभी मैंने ये सेलेक्ट किया रेक्टेंगल और आ गए यहाँ पे कलर पे, हमने जैसे ब्लैक लिया हुआ तो यहाँ पे हम अभी चेंज करेंगे तो 100, 40, 30 और 20। अब आ गए हम यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे हम कर लेते हैं 100 और 40, येलो कितना है 30 है और एक ब्लैक है 20, ये इतना हमने किया और ओके कर दिया। ये देखिए दोस्तों सेम कलर, तो इसमें कलर के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ वहाँ पे पॉइंट भी दे दिए हैं कि कौन सा कलर हम किस मात्रा में डिफिनेट करेंगे, किस मात्रा में वहाँ पे यूज करेंगे तो वह कलर बनेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे ए बी सी डी जो लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन तक, यह एक कोड है और ये जो 100, 40, 30 और 20 लिखा है ये मात्रा लिखी है कि कौन सा कलर हम किस मात्रा में यूज करें तो ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, ई बनेगा। तो इस तरह से हम यूज करके अभी जैसे इसमें अभी सिवा ग्राफिक्स जो टेक्स्ट है उसमें भी हमें कलर डालना ई, तो यहाँ पर हमें मिल गया ई। ई में क्या है, ना सियान है और ना ही ब्लैक है, तो ई में केवल मजेंटा और येलो है 40 और 100। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और एक बार इसको ब्लैक कर लिए हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें केवल क्या यूज करना है, केवल यूज करना है ई, यानी कि मजेंटा 40 और येलो 100। तो मजेंटा हमने यहाँ पर 40 ले लिया और येलो 100 कर दिया, इसको जीरो करते हैं और फिर ओके कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये कलर पहले भी मैंने यूज किया यहाँ पे और ये आइडिया हो गया कि कैसे हम उस कलर को यहाँ पे ला सकते हैं, बिल्कुल सही आइडिया है। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास एक और आइडिया है जो कि एकदम इससे शॉर्ट है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो कोड से हो गया कि हाँ इस कोड से हम ये यूज कर सकते हैं।
एक और आइडिया है, उसको मैं आपको दूसरे डिजाइन पे बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने तीन कलर यूज किया है, ये वाले पे हमने तीन कलर यूज किया है। इसको अभी हम इसको एक बार अनग्रुप कर लेते हैं यहाँ से, इसको वाइट कर देते हैं और इसको ब्लैक कर देते हैं, इसका आउटलाइन रेड कर देते हैं, ठीक है। अभी ये जैसे है, अब हमें इन तीनों कलर को यहाँ पे यूज करना है, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से उठाना है कलर आई ड्रॉपर टूल को, यहाँ पे लाना है, यहाँ पे हम लेके आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो यह कलर पिक होके यहाँ पे आ गया। अब रही बीच में हमें अगर ये कलर लेना है तो हम शिफ्ट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखिए शिफ्ट बटन प्रेस करते ही वह कलर पिकर बन जाता है, और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे और ऐसे छोड़ देंगे, तो ये देखिए वो कलर इसमें फिल हो गया। ठीक उसी तरह शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और शिफ्ट हटाते हुए फिर कलर उसमें कब भर गया, आएंगे और यहाँ रेड वाले हिस्से पर छोड़ देंगे, तो ये देखिए ये पहले भी हमने ऐसे बनाया था। ये तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका होगा, एकदम ड्रैग एंड ड्रॉप के जैसा, कि फटक से यहाँ से उठाया और यहाँ पर यूज कर लिया। तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छा आइडिया है, और इस तरह से हम अपने डिजाइन को कम से कम समय में एकदम परफेक्टली कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं और खुद उसे सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चार्ट है ये कहाँ से आएगा। जी हाँ, इस तरह के बहुत से चार्ट इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो में दे दिया, वो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के थ्रू आप इस तरह के बहुत सारे चार्ट यूज कर सकते हैं, बहुत सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे जहाँ से कि आप इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन ले सकेंगे और उसको अपने डिजाइन में यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ये बेल वाले आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हर नए आने वाले अपडेट्स और वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत प्राप्त हो सके।